बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ लाइन, मैं हूँ आफ्ताब मुगैरी। आज मैं समझता हूँ कि दुनिया के लिए एक तारीख रकम कर ली पाकिस्तान और पाकिस्तानियों ने मिलकर, और दुनिया को बता दिया कि ये कौम, ये मुल्क, ये सरहदें एक महफूज और पुरअमन, और इस धरती पर रहने वाले लोग यकीनी तौर पर अमन पसंद लोग हैं। और यहाँ की चाहे अफवाज हो, सिविलियन फोर्सेस हों, चाहे सियासी पार्टियाँ हों या मजहबी पार्टियाँ हों, यकीनी तौर पर पड़ोसी और पड़ोसियों के हकूक पे यकीन रखती हैं। और मज़हबी जो तमाम मज़ाहब हैं, चाहे वो हिंदू हों, चाहे वो सिख हों, चाहे वो जो है क्रिश्चियन हों या मुस्लिम हों, यकीन तौर पर पाकिस्तान में बराबरी की सतह पर सबको आज़ादी है कि वो अपनी अपने इबादत गाहों में और मज़हबी रस्में अदा भी करें, और उनको जो है पाकिस्तान में एक बराबर के हकूक हासिल हैं। इसके साथ साथ पाकिस्तान के पड़ोसी मुल्क हिंदुस्तान की बात करें, वो अहम मुल्क और हिंदुस्तान का सबसे बड़ा कहें कि वहाँ की जो एक कम्युनिटी है, जो अक़लियत है, वो सिख बरादरी है, जो हमेशा ये डिमांड करती आई कि उनको जो है पाकिस्तान में और पाकिस्तान का बड़ा अहम वो जगह गुरदासपुर, उसकी वहाँ पर रास्ता दिया जाए, जैसे कि वहाँ पर वो इबादत कर सकें और जा सकें। और मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान की मौजूदा हुकूमत और पाकिस्तान के मौजूदा आर्मी चीफ ने बड़ा अहम फ़ैसला किया, और ये फ़ैसला आज नहीं भाया तो नरेंद्र मोदी सरकार को और सुषमा स्वराज साहिबा को, कि उन्होंने आज उन पर भी तनकीद कर दी कि ये हरगिज़ तय नहीं है कि ये रास्ता और इस रास्ते के खुलने के बाद पाकिस्तान से कोई अमन मुज़ाकरात हो सकते हैं, बात हो सकती है। खाली ये एक रास्ता है, मगर अभी भी फैसला तय नहीं हुआ कि इस रास्ते के थ्रू जो सिख यात्री आएंगे उनको हिंदुस्तान की तरफ से इजाज़त होगी या नहीं होगी। अब जो करोड़ों लोग हैं, आज सिद्धू जी ने भी ये वाज़ह तौर पे कहा कि उनकी उमंगों की तर्जुबानी जनाब इमरान खान ने की है और पाकिस्तान के लोगों ने की है। जितना पाकिस्तान के लोगों ने प्यार दिया वो बड़ा अहम था। आज की दुनिया की सबसे बड़ी टॉप स्टोरी रही इस पाकिस्तान की तरफ नज़रें रहीं, मगर हिंदुस्तान का मीडिया वक्तन वक्तन जो आग उगलता है, आज भी पूरा दिन वही काम करते रहे कि पाकिस्तान के अंदर जो जितना कुछ किया है पाकिस्तान ने, मगर उसे बरक्स दिखाया हिंदुस्तान की मीडिया ने कि पाकिस्तान में जो इस वक्त जो तकरीबात आज चल रही थी उनको तोड़ मड़ोड़ कर उन्होंने पेश किया। और इसके साथ साथ आज की बड़ी डेवलपमेंट के आसिफ अली जरदारी, फरियाल टारपुर साहिबा भी जो है जीआईटी के सामने पेश हुई, और उन्होंने जो है वाज़ह तौर पर एक पैगाम दिया, ख़ास तौर पर तमाम उन जमहूरी इदारों के सामने। यकीन तौर पर सब बराबरी की सतह पर जो है पेश भी हो सकते हैं, बात भी कर सकते हैं, मगर आज जितने जीआईटी के सवालात थे उसमें जवाब ये मिला कि ये सब किसी और को पता है। अब वो और कौन है, वो अपनी जगह पे बड़ा अहम सवाल है। इसी पे बात करेंगे मेरे मौजूद मेहमान, मैं तारुफ कराता चलूँ, मैं मेजर रिटायर्ड शाहिद अबड़ो साहब, दिफाई तजिया नगार हैं। बहुत शुक्रिया अबड़ो साहब, आप हमारे साथ मौजूद हैं। और मेरे साथ मोहम्मद अली जी जी साहब हैं, रुकन हैं सिंध असम्बली के और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा हैं। बहुत शुक्रिया सर, आप हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। सैयद सोहेल आब्दी साहब हैं, रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, आपका बहुत शुक्रिया। हिंदुस्तान से हमें ज्वाइन किया टेलीफोन लाइन पर रोहित शर्मा, जो सीनियर जर्नलिस्ट हैं वहाँ से, और यकीन तौर पर पहले हिंदुस्तान चलते हैं और उनसे पूछते हैं कि रोहित जी, कम से कम आज बहसीत जर्नलिस्ट, बहसीत पत्रकार, मुझे बड़ा अफसोस हुआ कि मैं अमूमन हिंदुस्तान में इतने बड़े नाम जो हक और सच के लिए लिखते रहे, बोलते रहे, आप जैसे कई और हमारे दोस्त, जिनको लेकर मैं समझता था कि पत्रकारी या जर्नलिज्म जो है वो बड़ा अहम एक जो है कह सकते हैं कि एक शोभा है या काम है, मगर आज हिंदुस्तान के मीडिया ने बरक्स पूरे वो मनाजर दिखाए, यानी कि समझ सकते हैं कि अमान और दोस्ती और भाईचारा में हिंदुस्तान का मीडिया कहीं भी दिलचस्पी नहीं दिखा रहा था कि कम से कम कोई अच्छी बात दिखा दे। देखिए, आज का जो इवेंट था वो बहुत ही अच्छा इवेंट था, इसमें कोई शक नहीं है। और इस इवेंट से एक दरवाज़ा और खुला, ये भी सही है, लेकिन वहाँ पर चावला की मौजूदगी कहीं ना कहीं शक पैदा करती है, क्योंकि चावला तो अब तो वो प्रबंधक कमेटी के मेंबर हैं नहीं, वो एकदम साथ क्यों थे, वो कहीं दूर क्यों नहीं थे, वो एकदम आपके प्राइम मिनिस्टर के पास थे, वो ऑडियंस में क्यों नहीं बैठे थे, उनको साथ लेने के क्या मतलब था। देयर आर समथिंग, दो चीज़ें क्लियर होनी बाकी हैं। और यही एक चावला अभी अभी एक्यूज हैं एक ब्लास्ट केस में इंडिया में, तो ये चीज़ें आपकी गवर्नमेंट तक पहुंची होंगी, उसके बाद भी चावला वहां थे, तो ये गवर्नमेंट की तरफ से एक माहौल बनाने का इशू था,
या गवर्नमेंट ने इसको बिल्कुल साइडलाइन करके चावला को बुला लिया था, ये चीज अभी देखने बाकी है। ये चीज हमारी गवर्नमेंट की तरफ से बोली जा चुकी है कि चावला इन्वॉल्व है ब्लास्ट में, चावला यहाँ पे भेज रहे हैं हथियार, उसके बाद भी चावला साथ थे तब तो एक सीरियस मैटर बनता है ना। तो इसीलिए रुजी बात तो ये कि चले आपके यहाँ इन्वॉल्व है, आप हमेशा हम कहते रहते हैं कि जितने भी आपने इल्जाम लगाए हैं, चाहे वो पाकिस्तान के अंदर जितने भी ऐसे लोग हैं जिन पर इल्ज़ाम है, वो आप उनको प्रूफ नहीं कर सके, अदालतों में प्रूफ नहीं कर सके। हमारी बहुत से फोर्सेस, सिक्योरिटी फोर्सेस के लोग आए, वहाँ पर बैठ के बात हुई, मगर अभी तक कोई एविडेंस फराहम नहीं कर सके। सर बात ये कि ये इल्ज़ाम तो है, मगर कोई ठोस छवाइश तो नहीं दिए ना आपने। प्रूफ करने की जरूरत क्या है जब आप खुद ही एक्सेप्ट कर ले रहे हैं? पहले आपने बोला था कि अक्का साहब पाकिस्तानी नहीं है, उसके बाद एक्सेप्ट कर लिया। पहले आपने बोला था कि करगिल में जो लोग घुसे हैं वो हमारे नहीं हैं, उसके बाद परवेज मुशर्रफ खुद एक्सेप्ट कर गए। मगर अजमल का साहब तो आपकी रिपोर्ट है कि अजमल का साहब हिंदुस्तानी है, पाकिस्तानी नहीं था। कौन सी रिपोर्ट पढ़ ली आपने मुझे तो पता नहीं, लेकिन पाकिस्तान एक्सेप्ट कर चुका है, उसके बाद आप इंडियन रिपोर्ट ऐसी पढ़ेंगे तो फिर तो मेरे लिए थोड़ा ट्रबल होगी। पाकिस्तान एक्सेप्ट चले मेरे साथ मेजर रिटायर शाहिद अबरू साहब है, रुचि जी आप लाइन पे रहिएगा, इनके इनको भी शामिल करूंगा। मेजर साहब ये भी तो तय है कि कुछ भी नहीं बात है हिंदुस्तान को, तो यही है कि कहीं ना कहीं खामी निकलनी चाहिए। इतना बड़ा इवेंट जिस पे पूरे वर्ल्ड की नजरें थी, आज दो ममालिक जो है आपस में मिलकर और कई 10 करोड़ से ज़्यादा लोग जो सरहद के उस पार रहते हैं, उनकी उमंगों का, उनके मैं कह सकता हूं कि एक मजहबी जगह का बड़ा अहम मसला था, अगर पाकिस्तान ने कदम बढ़ाया, मगर आज हिंदुस्तान की मीडिया और ख़ासतौर पर बीजेपी और हिंदू इंता पसंद तंजीमों को ये अच्छा नहीं लगा। जी हाँ आप बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं, पाकिस्तान की तरफ से ये बहुत बड़ा कदम था, चूँकि इमरान खान साहब ने पहले दिन से यही बात की थी कि इंडिया हमारी तरफ एक कदम बढ़ाए, हम उसकी तरफ आज भी कह दिया दो कदम बढ़ाएंगे। जी बिल्कुल ऐसे ही है। तो पाकिस्तान ने तो बहुत बड़ी फेवर की है इंडियंस के साथ और ख़ास तौर पे सिख अवाम के साथ, लेकिन हमें इस बात को नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए कि इंडिया हिंदुस्तान की तारीख है कि उसने कभी भी पाकिस्तान की ना तो किसी फेवर को एक्सेप्ट किया है और ना ही किसी एग्रीमेंट को ऑनर किया है। ठीक है आप स्टार्ट लें शिमला एग्रीमेंट से लें, आप सिंध टास एग्रीमेंट की बात करें, उसके बाद फिर लाहौर समझौता एक्सप्रेस थी और बहुत सारे दोस्ती बस एक्सप्रेस बहुत 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 सारे एग्रीमेंट्स होते रहे हैं, लेकिन इंडिया की हमेशा ये हठधर्मी रही है कि वो पाकिस्तान के साथ कभी भी एक्सेप्टेंस नहीं करता, पहली बात। अब यहाँ पर मुझे अपनी गवर्नमेंट की भी थोड़ी सी कमज़ोरी नज़र आती है, चूँकि हमारी फॉरेन पॉलिसी हमेशा वीक रही है और दिस इज़ नॉट द फर्स्ट टाइम कि हम किसी एक जगह पे लैग कर रहे हैं। पाकिस्तान को ये फेवर देने से पहले इंडिया के साथ टेबल टॉक्स करने चाहिए थे, किसी न किसी तरीके से उनसे कुछ बारगेन्स करने चाहिए थे, और अगर बारगेन नहीं हो पा रहा, इतना फेवर देने के बाद भी इल्ज़ाम लग रहे हैं तो बारगेन करने यही, से क्या होता? यही बात है, जब जब आपके एक कदम से आपके मुल्क को किसी भी तरीके से फ़ायदा नहीं हो रहा तो आप क्यों मेहरबानी कर रहे हैं? मोहम्मद अली साहब क्यों मेहरबानी की जब इतनी बार्गेनिंग के बाद, इतने कदम उठाने के बाद भी फिर वही हिंदुस्तान राग ला रहा है, कह रहा है, गा रहा है कि देखिए जी अभी तक जो है वो जो इनको एक्यूज हैं वहां पर लोग वो इस तकरीब में मौजूद थे, इल्जाम लग रहे हैं सर आपकी हुकूमत पर और आपके इस कदम पर। बिस्मिल्लाह बहुत शुक्रिया आपका। मेरे ख्याल से कि इल्ज़ाम तो खैर नहीं लग रहे, जिसने लगाना होता है देखें वो तो लगाएगा इल्ज़ाम। पाकिस्तान का एक बहुत अच्छा इमरान ख़ान साहब का मैं समझता हूँ और बड़ा अच्छा ये स्टेप था, और जो आज ये ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी करतारपुर की कॉरिडोर की है, तो इसमें मेरे ख्याल से तो कोई ऐसे इल्ज़ाम की बात नहीं है और अच्छा स्टेप उठाने के लोग हिंदुस्तान की बात कर रहा हूँ, हिंदुस्तान के जो जर्नलिस्ट हैं दोस्त देखें हिंदुस्तान का, तो अगर आप बैकग्राउंड उठा के देखें हिस्ट्री का, अभी 4 दिन पहले कोई 2 लोग थे जो हमारे पाकिस्तान के अंदर थे, वो पीछे गए बच्चे थे, दिल्ली लिखा हुआ था, दिल्ली इतना किलोमीटर पीछे पाकिस्तान, हिंदुस्तान ने उसका किस तरीके से प्रोपेगेंडा किया, पोस्टर लगाए दीवार में लगा दिया कि वांटेड हैं ये, पत्नी क्या है इनको पकड़ो ढूंढो, तो हिंदुस्तान का कोई पहली दफा नहीं किया उसने, हिंदुस्तान ने, हिंदुस्तान हमेशा पास जितनी हिस्ट्री उठा के देखिए साहब की भी रिपोर्ट आ गई तो हिंदुस्तान का वो नहीं मान, जैसे ये भी ये वजी साहब हैं, रोहित शर्मा जो हैं साहब, ये जो कह रहे हैं कि कहाँ आया,
अभी हफ्ता पहले की आप अगर इंटरनेशनल वो देख लें रिपोर्ट जो आई है उसमें भी ये डिक्लेयर हो गया कि अजमल कसाब जो था वो बिलोंग्स टू इंडिया, उस पर भी इन्होंने ये एक्सपर्ट हैं शोर हंगामा करने में। मगर मैं आपको ये भी बता दूं कि रोहित शर्मा उस वक्त इंडिया टीवी में थे और इंडिया टीवी पहला टीवी चैनल था हिंदुस्तान का जिसने अजमल कसाब से ओबेरॉय होटल में जब ये हमला हुआ था तो बात की थी। तो रोहित जी आपको याद होगा कि उस वक्त अजमल कसाब ने कहा था कि हमारा ताल्लुक हैदराबाद दक्कन से है, तो उसने तो उस वक्त भी तस्लीम कर दिया था, जो कि आप उस वक्त वहां पे भी थे, उसी टीवी चैनल में थे। मगर आज मैं ना मानू वाली बात है, जब खुद वो कह रहा था कि मेरा ताल्लुक हैदराबाद दक्कन से है, तो आप क्यों नहीं मानते सर इसको? हाँ, ये बात आपने बहुत अच्छी बोली। तो जो चीज अजमल कसाब या दूसरे टेररिस्ट क्लेम कर रहे हैं वो हम सारी मान लेते हैं, तो आप सारी इंडिया की बात मानने के लिए तैयार है क्या? यकीन नहीं मानेंगे, अगर वो टेररिस्ट कह रहा है कि मैं हैदराबाद दक्कन से हूँ तो हम भी मानेंगे कि आपके ही शहर और आपके ही मुल्क से ताल्लुक है उसका। जो कुछ वो एक टेररिस्ट कह रहा है वो आपने मान ली, मैं ये कह रहा हूँ कि लाइव आपने बात की थी, आपके टीवी चैनल ने बात की थी, पहला आपका वही क्लेम तो उन साहब का था ना, उसके बाद रिपोर्ट भी आ गई कि उसका ताल्लुक वहां था। मगर आते हैं अपने उस इशू पर। आता भाई ये रिपोर्ट जो आई है ये आप अपनी गवर्नमेंट को दिखाइए और पूछिए कि भाई आपने कैसे मान लिया कि पाकिस्तानी है। नहीं वो तो हमने हमारे यहाँ पास रिपोर्ट नहीं है, वो आपके ही यहाँ से रिपोर्ट आई कि वो उसका ताल्लुक हैदराबाद से है। मान तो लिया, चलो ये भी मान लिया, लेकिन आप अपनी गवर्नमेंट से तो पूछिए। आपकी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनमा है मोहम्मद अली साहब, सोहेल आब्दी साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनमा है। सोहेल आब्दी साहब, आप भी हमेशा हिंदुस्तान से दोस्ती की बात करते हैं, आपकी पार्टी भी करती आ रही, मगर आज के कदम को कैसे देखते हैं? आज इमरान खान साहब ने, प्राइम मिनिस्टर ने कह दिया कि सिविलियन हुकूमत, तमाम फोर्सेस, तमाम सियासी पार्टी, तमाम मजहबी जमातें, हम एक पेज पे हैं, अब पाकिस्तान आगे बढ़ रहा है। तो आज वाले फैसले को आप समझते हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अच्छा फैसला है वो? देखें, मैं ये समझता हूँ कि मुग़ैरी साहब, आपने जैसे कहा इब्तिदा में कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने हमेशा कोशिश की, तो ये शहीद ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो के दौर से है कि जब हमारे 71 की वार जब हमने लूज़ की थी, 93,000 कैदी हमारे जंगी कैदी थे जिनको रिहा करा के शहीद ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो लाए थे, तो उस वक्त इंदिरा गांधी साहिबा से जो निगोशिएशन होते वो हिस्ट्री के ऊपर हैं कि हमने बेहतर ताल्लुकात की बात की थी और नफ़रतों के ख़ात्मे की बात। लेकिन इंडिया अपने जो उनके एक्सट्रीमिस्ट हैं, रिलीजियस एक्सट्रीमिस्ट, उनको नहीं रोक सकी और वहाँ भी मुसलमानों से एक बड़ा नारवा सलूक अख्तियार किया जाता है, जबकि पाकिस्तान सर वहाँ तो क्या आज की बात है, अयोध्या में 2,00,000 से ज्यादा हिंदू इंतहा पसंद इकट्ठे हुए हैं और वहाँ मुसलमान इमरान आज मजबूर हो गए कि मुख्तलिफ काम को इस वक्त रुक कर चुके हैं, देख रहे हैं, मगर वहाँ का मीडिया उसको हाईलाइट नहीं करता। तो ये देखें ना, आज़ाद मीडिया की बात करते हैं, इंडिया इंडियंस कहते हैं कि हमारी सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है, हमारे यहाँ हमारी सबसे बड़ी डेमोक्रेटिक कंट्री है, तो ये डेमोक्रेसी तो नहीं है कि आपने मीडिया को आज़ादी को सल्ब किया हुआ है और सिर्फ पाकिस्तान के ऊपर आप अपने मीडिया टाइज बंद कराने के लिए। कश्मीर की तो मानते थे, कश्मीर में नहीं जा सकते, कश्मीर में मीडिया जो है उनकी पॉलिसीज बिल्कुल डिफरेंट हैं, वहाँ नहीं कवर कर सकते, मगर अयोध्या में आज जाकर देखें तो पूरे हिंदुस्तान से पैदल निकल चुके हैं और 2,00,000 के करीब और फौज रिप्लाई कर दी है वहाँ पर कि वहाँ पर शायद मुसलमान जो है अनमहफूज समझ रहे हैं और वहाँ से जा रहे हैं। एक ये भी अपनी जगह पर सवाल है, बिल्कुल अनसिक्योर्ड है मुसलमान। मैं साहब, मैं आपकी तरफ आऊँगा, फिर कहें कि ये जो बात है कि आज वजीर खारजा हिंदुस्तान की शुरुआत शुरू करेगी, ये कोई दोस्ती नहीं बढ़ेगी, इससे आप ना समझें कि कोई डायलॉग का सिलसिला शुरू हो जाएगा, बातचीत का सिलसिला शुरू हो जाएगा, ये सब महज जो है एक पाकिस्तान की तरफ से पहल है। हमारा वही नुक्ता है कि वहाँ पर दहशतगर्द जितने भी हैं उन पर कार्रवाई की जाए, उन पर कंट्रोल किया जाए, और कंट्रोल कैसे करें मैं तो ये समझ में नहीं आ रहा कि दो बच्चे अगर बॉर्डर लाइन पर जाते हैं और वहाँ पर तस्वीर खिंचवा लेते हैं तो हिंदुस्तान की मीडिया में हलचल मच जाती है और उसके पोस्टर छप जाते हैं कि ये दो पाकिस्तान के दहशतगर्द दिल्ली में दाखिल हो चुके हैं, तो कैसे दोस्ती बढ़ेगी सर? मैं शुरू में मैंने ये अर्ज़ किया था कि इंडिया की हठधर्मी बहुत स्ट्रांग है, वन। दूसरा, इंडिया की हमेशा ये कोशिश रही है कि पाकिस्तान को इंटरनेशनल फोरम पर हर जगह किसी न किसी तरीके से उसकी पिक्चर ख़राब करे, उसका स्टेटस ख़राब करे और दुनिया के सामने ये जाहिर करे कि इससे बड़ा दहशतगर्द मुल्क कोई नहीं है। अभी भी ये जो बात इन्होंने की है कि करतारपुर कॉरिडोर से पाकिस्तान और इंडिया के डायलॉग पर कोई असर नहीं होगा और ना ही हम सार्क का इवेंट अगर पाकिस्तान में होता है तो प्राइम मिनिस्टर आएगा ना वो आएंगे, सही है, कोई नहीं आएगा,
یہ بھی صرف اور صرف دنیا کو یہ دکھانا ہے کہ پاکستان ایک دہشت گرد ملک ہے, اور جب تک وہ پی ایل اے کے جو لوگ کاروائیاں کرتے ہیں ان کو افغانستان کا پاسپورٹ ملتا ہے اور دلی میں ان کا وہاں پر علاج ہوتا ہے ہاسپٹلوں میں, اور ہم جب ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ آپ بی ایل اے کے لوگوں کو فنڈنگ کرتے ہیں, آپ بی ایل اے کے لوگوں کو وہاں پر علاج کرواتے ہیں, تو پھر کہتے ہیں کہ وہ تو آتنکوادی نہیں ہے, وہ تو ایک سیاسی رہنما ہے, اور ان کا لیے جواب کچھ اور آتا ہے. تو یہ تو میجر صاحب ایک بات ہے کہ پاکستان جب ڈیمانڈ کرتا ہے ان بلوچ رہنماؤں کی جو بلوچستان میں انوالو ہیں, جو کراچی میں انوالو ہیں, جو اسلام آباد میں انوالو ہیں, اور پچھلے دنوں جو ہے چائنی کونسلیٹ پر جنہوں نے حملہ تسلیم کیا ان کے سربراہ جو ہیں دلی میں موجود ہیں. 90% پاکستان میں جو بھی دہشت گردی کی کاروائی ہوتی ہے اس میں انڈیا کسی نہ کسی طریقے سے انوالو ہوتا ہے. وہ آپ اسٹارٹ کریں چاہے بلوچستان سے, پورا آپ فاٹا کا ریجن لے لیں, اس کے بعد سندھ کا ایریا لے لیں, پنجاب کا بارڈر ایریا لے لیں, 90% ہمارے جتنی بھی آرگنائزیشنس ہیں, ٹیررسٹ ہو گئیں یا نیشنلسٹ آرگنائزیشنس ہو گئیں, ان کا کسی نہ کسی طریقے سے انڈیا کے ساتھ, را کے ساتھ ہمیشہ کوئی نہ کوئی سمبندھ رہا ہے, بالکل تعلق رہا ہے. تو روہت جی یہ پھر کیسے تسلیم کریں سر, پاکستان میں بی ایل اے کے رہنما حملہ کرتے ہیں, دلی میں موجود ہیں, ان کا وہاں پہ علاج ہوتا ہے, افغانستان کے پاسپورٹ مل جاتا ہے, وہاں پہنچ جاتے ہیں, مگر وہ تو ان کے خلاف تو کاروائیاں نہیں ہوتی, پاکستان ایویڈنس دے کے تک گیا ہے اور دنیا کو دے چکا ہے, افغانستان کو دے چکا ہے, انڈیا نے بھی بہت ایویڈنس دیا حافظ سعید کے خلاف, تو آپ لوگوں نے بھی تو بول دیا کہ نہیں ہمارے ہم اس ایویڈنس کو ریجیکٹ کرتے ہیں, رائٹ. آئی ایم ناٹ جسٹیفائنگ ٹیررزم, میں کسی ٹیررزم کو جسٹیفائی نہیں کر رہا ہوں. پاسپورٹ دیا تھا اجمل قصاب کا, اور کون سا اس کا شناختی کارڈ آپ نے پاکستان کو پیش کیا تھا جو پاکستان نے ریجیکٹ کر دیا؟ تو پاکستان نے ایکسیپٹ کیوں کیا کہ وہ پاکستانی نہیں؟ آپ نے ابھی بات کی نا کہ ایویڈنس دیا ہے پاکستان کو, روہت صاحب آپ یہ بتائیے کون سا ایویڈنس دیا تھا؟ سر پاکستان نے ایکسیپٹ کیا؟ نہیں روہت صاحب ابھی آپ کی بات ہو رہی ہے, آپ یہ بتائیں کہ پاکستان کو کون سا ایویڈنس دیا گیا انڈیا کی طرف سے؟ ڈو یو مین ٹو سے آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ پاکستان نے بنا کسی ایویڈنس کے ایکسیپٹ کر لیا قصاب پاکستانی تھا؟ روہت صاحب کوئی ایویڈنس نہیں ملا, اور ہماری گورنمنٹ نے آج تک یہ ایکسیپٹ نہیں کیا کہ اجمل قصاب پاکستانی ہے, ہماری گورنمنٹ کی طرف سے تو کوئی بھی ایسا بیان نہیں آیا. ریپلائز پڑھیے, میں آپ کو ریپلائز بھیج دوں گا میل پہ ابھی. جی بھیج دیجیے گا, یہ ہمارے لیے بھی بہتر ہو جائے گا, لیکن آپ کے لیے بھی بہتر یہ ہوگا کہ آپ ثبوت کے ساتھ بات کریں. سر میں ثبوت کے ساتھ بات کر رہا ہوں, پاکستان نے ایکسیپٹ کیا, ڈیڈ باڈی پاکستان کو دینے کے لیے بولا تھا اس کی, تو پاکستان نے منع کر دیا تھا ہمیں باڈی نہیں چاہیے. جب ہمارا تھا ہی نہیں تو ڈیڈ باڈی کیسے لے سر؟ وہ کہہ رہا تھا آپ کے ہی ٹی وی چینل پہ, کہہ رہا تھا کہ میرا تعلق ہے حیدرآباد دکن سے. بریک کا کہا جا رہا ہے, روہت جی آپ بھی لائن پہ رہیے گا, واپس آتے ہیں تو اسی پہ بات کریں گے. ایک بار پھر خوش آمدید کہتا ہوں اپنے پروگرام میں. آج بات ہو رہی ہے کردار پور کے اس راستے کی جو آج پاکستان نے ایک تاریخ رقم کی, اور تاریخ یقینی طور پر پوری دنیا میں یہ تحیات یہ یاد رکھی جائے گی تاریخ, مگر آج کی تاریخ کچھ پڑوسی ملک ہندوستان کے نام نہاد انتہا پسند ہندو تنظیمیں اور وہاں کی حکومت جو ہے اس کو شاید یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ پسند نہیں آئی کہ پاکستان نے اتنا بڑا قدم کیسے اٹھا لیا, پاکستان نے یہ فیصلہ کیسے کر لیا. پہلے جب سدھو صاحب نے یہاں پہ آئے تھے اور پاکستان کے آرمی چیف نے انہوں کو گلے پہ لگایا تھا, تو اس پہ بھی بڑا وہاں پر ایک ہنگامہ کھڑا ہو گیا سدھو جی کے لیے کہ آرمی چیف سے گلے کیوں لگے, اور یہ صرف لالی پاپ پکڑا کے اور سدھو جی کو بھیجا, اس پہ کچھ عمل نہیں ہوگا. آج پاکستان نے کر دکھایا, مگر آج پھر وہی ہندوستان نے کر دکھایا جیسے ہمیشہ ہندوستان کرتا رہتا ہے. میں مودل صاحب آپ کی طرف آؤں گا, پاکستان تحریک انصاف کا بڑا اہم قدم میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہے پرائم منسٹر کا, اور آج پرائم منسٹر نے واضح طور پر کھڑے ہو کے یعنی کہ ہندوستان کی بارڈر لائن پر 4 کلومیٹر کی دوری پہ پھر پیغام دیا کروڑوں ہندوستانیوں کو کہ آپ ایک قدم اٹھائیں گے ہم 2 قدم آگے اٹھائیں گے. دونوں نیوکلیئر پاور ہیں, جنگ نہیں ہو سکتی اور جنگ کرنی بھی نہیں چاہیے, اور بات چیت سے سلسلہ آگے بڑھانا چاہیے, دوستی کا ہاتھ بڑھانا چاہیے, مگر یہ دوستی نریندر مودی اور ان کی تمام کیبنٹ کو نظر نہیں آ رہی, یا پھر یہ کہیں کہ اگلا یہ سال جو ہے 2019 جو ہے الیکشن کا سال ہے, اور الیکشن کے بعد شاید ان کی بھی برف پگھل جائے کیونکہ سردیوں کے بعد یقیناً گرمیاں آتی ہیں. ایکچولی اس میں کوئی شک نہیں کہ ایک آج عمران خان صاحب کا بہت پازیٹیو جو انہوں نے ڈیسائڈ 3 مہینے پہلے کیا تھا جب یہ سدھو صاحب آئے ہوئے تھے,
और आज वो जैसे एग्जैक्टली खान साहब ने डिसाइड किया था और आज कर दिया ओपनिंग उसकी कॉरिडोर की ब्रेकिंग सेरेमनी, तो इसमें कोई शक नहीं, बहुत पॉजिटिव है हमारे लिए भी है और उनके लिए भी जो वो समझ नहीं रहे इंडिया, यू नो। और हम इंडिया का हमेशा आपके जैसे पहले भी कहा कि रहता है इनका इशू, हमेशा रहता है, क्रिटिसाइज़ करते रहते हैं पाकिस्तान को, जैसे अब कोई कबूतर चला जाए तो वो कहते हैं पाकिस्तान ने भेज दिया, वो भी प्रॉब्लम। मेरे ख्याल से खान साहब ने ही ये बात की थी कि दो दफ़ा जब खान साहब ने जब आए तो उन्होंने फ़ोन करके बात भी करना चाहा कि आएँ और आके बैठ के टेबल टॉक्स करें हमारे साथ, और आप दो एक हम आप एक कदम उठाएंगे हम दो उठाएंगे इंशाल्लाह, और आज एक प्रूफ भी किया, अब आगे खुद फर्स्ट बढ़े और एक प्रूफ किया। इसके साथ मेरे ख्याल से खान साहब ने ये भी मुझे आई रिमेम्बर कहा था कि ये जब सेकेंड जब ये दफ़ा हुआ उन्होंने रिफ्यूज़ किया, और जब कॉन्फ्रेंस थी जहाँ शाह महमूद कुरैशी साहब भी गए हुए थे कि सुष्मिता नाम है क्या नाम है जो फॉरेन, मैं भी साथ था फॉरेन नेशन में सुषमा या एग्जैक्टली हाँ। तो शी रिफ्यूज टू कम ओवर देयर लास्ट जब गए हुए थे, फिर ऑफ कोर्स फिर वो खान साहब ने ये कहा था कि ये जो इलेक्शन का साल है इनका, मीटिंग का भी कहा वहाँ पर समझ गए कि ये नहीं चाहते कि इस वक्त ये आए, इनका ये चाहते हैं कि इनका वोट बैंक इंटेक रहे ये जो मोदी सरकार का जो है, तो आई थिंक वो पोजीशन नहीं है और हमेशा नेगेटिव ही सोचा है इन्होंने। तरफ चलते हैं सर, रोहित जी ये बताइएगा, अब बिल्कुल आखिरी सवाल आपके सामने रखूंगा, आप बेहतर जर्नलिस्ट बेहतर पत्रकार समझते हैं कि पाकिस्तान का अच्छा कदम है, मगर बीजेपी की हुकूमत और बीजेपी की जो मौजूदा सरकार है ये उससे तो नहीं घबरा रही कि अगला साल 2019 यकीन हिंदुस्तान में इलेक्शन का साल है और पाकिस्तान पे ही वोट लेना है, किसी कबूतर पे, किसी परिंदे पे, किसी बंदे पे कि उनको वोट मिल सके? पहली चीज मैं इसका भी जवाब दूंगा, पहली चीज जो ये ब्रेक चल रहा था उस समय मैंने एक अपना रिसर्च की, उसमें पता लगा कि 7th of January आपके फॉरेन ऑफिस के स्पोक्स पर्सन मोहम्मद सादिक, उन्होंने एक्सेप्ट किया था एक प्रेस ब्रीफिंग में अपनी मिनिस्ट्री में कि कसाब इज पाकिस्तानी। नाउ सेकेंडली कमिंग बैक टू योर क्वेश्चन, आपके क्वेश्चन पे आ रहा हूं मैं, ये है कि आप अभी देखेंगे कि मोदी पिछले टाइम से, पिछले 5 साल से जितने भी इलेक्शन लड़ रहे हैं उसमें से 90% जीते हैं। आज भी मोदी की पॉपुलैरिटी बड़ी हाई है और मोदी को इन छोटी छोटी चीजों की जरूरत नहीं है ये करने के लिए। यूपी का इलेक्शन इस चीज के लिए बहुत लैंडमार्क इलेक्शन था जहाँ पे बीजेपी हार रही थी और हारते हारते मोदी ने वहां पे इतनी रैली की कि वो बीजेपी लैंडस्लाइड विक्ट्री ले गई। ठीक है, इन चीजों से इलेक्शन पे बहुत कम फर्क पड़ेगा, बट देन दिस इज अ पॉजिटिव स्टेप बिटवीन द टू कंट्रीज। और आई डोंट नो पिछले 10 साल जो इसके बीच में अगर ये आगे बढ़ाता है दूसरी चीजों में परकोलेट करता है तो इट विल बी अ गुड स्टेप। तो आप समझें कि हम समझें कि तय है कि यानी कि ये पाकिस्तान का जो कदम है उस कदम से उतना फर्क नहीं पड़ेगा, किसी अच्छाई की तरफ नहीं जाएंगे, यही होगा कि पाकिस्तान जो है इसी तरह बस आगे कदम बढ़ाता रहे और हिंदुस्तान हमेशा कदम पीछे हटाता रहेगा। वेल, इंडिया ने एक कदम आगे बढ़ाया तो था, लाहौर तक बस चलाई थी, प्राइम मिनिस्टर हमारे अटल बिहारी वाजपेयी गए, बस जलाई भी तो थी, ट्रेन जलाई भी थी, उसी टाइम पे सर प्लानिंग चल रही थी आफ्ताब भाई, उसी टाइम पे प्लानिंग चल रही थी और करगिल में इंक्लूजन हुआ था सर, वो ट्रेन जलाई भी थी और कई लोगों का, आपकी इन्वेस्टिगेशन एजेंसी की रिपोर्ट है कि उसमें आपके ही सिटिंग आर्मी के ऑफिसर इन्वॉल्व थे, उसको क्या करेंगे? अभी हफ्ता पहले लंदन में आपके परवेज मुशर्रफ साहब प्रेसिडेंट थे आर्मी चीफ थे, उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया ना मेरे आदमी थे। चले, बहुत शुक्रिया रोहित जी, वो तो उन्होंने एक्सेप्ट कर चुके हैं। आप ही के इंडियन जो लोग अभी एक्सपोज हो गए सर लंदन में, जो अगेंस्ट बात कर रहे थे डैम के ऊपर, और उससे पहले वही एक्सपोज उसी टाइम हो गए जो बात कर रहे थे बलूचिस्तान के ऊपर, सारा कौन थे, सारे इंडियन थे, उनको शो किया होता पाकिस्तानी, चले मीडिया ने पकड़ा। चले, रोहित जी की लाइन ड्रॉप हो गई और बहुत शुक्रिया। रोहित शर्मा पाकिस्तान हिंदुस्तान के सीनियर जर्नलिस्ट हैं और उनका बड़ा अहम रोल है वहाँ के जर्नलिज्म में, और उन्होंने बात की, यकीन नहीं उनका अपना मौकफ था मगर हमने चाहा कि आज हिंदुस्तान की मीडिया खासतौर पर जिस तरह आग उगल रही थी, कम से कम वहाँ के कुछ साफियों से भी बात की जाए कि हमारे सच का अच्छे कदम को आप इस तरह से क्यों पेश करते हैं। सुहेल अब्दी साहब, तो तय है कि हिंदुस्तान वही हरबा इस्तेमाल करता है जो हमेशा की तरह, जैसे मोहम्मद अली साहब कह रहे हैं कि आप इनसे कोई अच्छी तवक्को ना रखें, ये हमेशा वही गाना गाते रहेंगे जो इनको पढ़ाया गया है, समझाया गया है। डेफिनेटली ये प्रैक्टिस है कि पाकिस्तान ने जब जब बेहतरी के लिए कोई कदम बढ़ाया है इन्होंने हमेशा उसका मनफी जवाब दिया है, और कभी भी ना जाने क्यों कि पाकिस्तान से एक इनको कुदरती बहर है, जबकि कल्चरल अगर पॉइंट ऑफ व्यू से हम देखें तो इंडिया और पाकिस्तान बहुत एक दूसरे के करीब हैं।
और लैंग्वेज के हिसाब से जो इनकी हिंदी लैंग्वेज है, कल्चर है, सब चीज़ें एक जैसी है, तकरीबन एक जैसी हैं, क्योंकि पहले ये मतलब यानी कि एक ही था बरे सगीर पाक व हिंद, लेकिन उसके बाद जब हुई तो इनको सिर्फ बैर ये है कि मुसलमानों की इंडिपेंडेंट कंट्री क्यों बनी, जबकि यहाँ पाकिस्तान में देखे हैं कि जितनी हमारी माइनॉरिटीज़ हैं उनको वो बड़ी सिक्योर्ड फील करती हैं, अगर कोई ऐसा वाकया हो भी जाता है तो जो भी हुकूमत वक्त होती है बड़ा सख्त एक्शन लेते हैं, लेकिन अमूमन कहीं ना कहीं इंडियन टेररिस्ट ही इसमें इन्वॉल्व पाए गए हैं। मगर आज के मनाजर, मेजर साहब, आज के मनाजर ओवरसीज जितने भी सिख हैं, मेरे दोस्त हैं, आपके दोस्त होंगे, आज जनाब इमरान खान की स्पीच देख के और वो मनाजर देख के आज खान साहब ने बिल्कुल अच्छे अल्फाज का चुनाव किया, इस्तेमाल किया कि जैसे मुसलमान मक्का और मदीना में जाते हैं उनके चेहरों पे मुझे रौनक नज़र आती है, खुशी नज़र आती है, होप नज़र आती है, और आज इसी तरह मुझे जो ये सिख कम्युनिटी के लोग यहाँ मौजूद हैं, आज उनके कह सकते हैं कि एक मुकद्दस जगह पर जहाँ के लिए वो कई 70 वर्ष से सोच रहे थे, आज वो मनाजर देख के मुझे ये महसूस हो रहा है जैसे हम मक्का और खाना काबा में जाते हैं, वहाँ पर हमारी खुशी जो होती है वो इसी तरह होती है। तो आज मेजर साहब फिर तय है कि ये जो मनाजर थे पूरे वर्ल्ड के, चाहे वो ओवरसीज़ जितने सिख मेरे आपके दोस्त होंगे, आज वो कह रहे थे कि आज हमारे ऐसे समझें कि पाकिस्तान में जैसे रोज़े खोलने के बाद 30 रोज़े रखने के बाद आपकी ईद होती है, खुशी होती है, कि आज कहें कि 70 साल का रोज़ा आज हमने इफ्तार किया है। जी बिल्कुल, सिख बरादरी की जो भी क्लिपिंग्स मैंने टीवी पे देखी हैं, बहुत सारे लोगों की आंखों में आंसू थे। बिल्कुल बिल्कुल, और लाजमन वो खुशी के आंसू हैं, और सिखों ने हमेशा पाकिस्तान को सराहा है, पाकिस्तान की साथ दिया है, पाकिस्तान साथ दिया है पाकिस्तान का। इवन जो यहाँ पे हमारे पाकिस्तानी सिख हैं, मतलब शक्ल से तो वो सिख ही हैं, लेकिन अंदर से वो जितने मोहब्बे वतन पाकिस्तानी हैं, मोहब्बे वतन है, इतना हमारा एक हम मुसलमान भी नहीं हो सकता जितने वो अहम इकदाम करते हैं पाकिस्तानी को लेकर। खासतौर पे पेशावर में आपने देखा होगा इफ्तारी के इवेंट्स बहुत सारे उन्होंने अरेंज किए। अब सिखों के लिए तो आपने बहुत कुछ कर लिया, अगेन फिर मैं उसी बात पर आऊँगा बार बार कि आपने इतनी बड़ी मेहरबानी कर ली इंडिया के साथ, पाया क्या इस मुल्क ने, क्या पाया, अगेंस्ट वॉट सर? मोहम्मद साहब फिर कैसे वही मेजर साहब बात आ रहे हैं कि आपने क्या कुछ हासिल किया, ये हासिल किया कि दुनिया में अच्छी हमारी जो है एक कह सकते हैं कि पाकिस्तान का एक अच्छा फेस नज़र आया कि मौजूदा हुकूमत ने पड़ोसियों के साथ दुनिया में बराबरी की सतह पे ताल्लुकात में रहना चाहती है। देखिए, इसमें कोई शक नहीं है कि आज जिस तरह दुनिया ने इतना इसको अप्रिशिएट किया जो स्टांस था पाकिस्तान का, जिस तरीके से हर एक ने कोई शक नहीं, हर एक ने सराहा, पसंद किया, तो आई बिलीव कि इंशाल्लाह ये जो इंडिया के जो वैसे तो वो नेगेटिव रहे हैं हर चीज़ में, लेकिन मुझे है कि आएंगे जब दुनिया को देख रहे हैं। 10 करोड़ 11 करोड़ सिख जो थे, जो सरहद के उस पार थे या पूरी दुनिया में वर्ल्ड में रह रहे थे, आज उनकी एक ख्वाब की ताबीर हुई है। उनके लिए ऐसे ही था एग्जैक्टली जैसे हमारा मक्का हम जाते हैं, बिल्कुल खान साहब ने कहा कि 4 किलोमीटर आपको मक्का से दूर हो और आपको जाने ना, और आपको जाने ना दें और आपको दूर से मक्का नजर आए, वो फीलिंग्स जो है उनके लिए भी वैसी, वो उनके लिए जगह वैसी है जैसे हमारे लिए, और हर एक को राइट होना चाहिए उसके। सरदार रमेश हैं पाकिस्तान हिंद सिख काउंसिल के जो है रहनुमा है, बहुत शुक्रिया सरदार रमेश साहब आपने वक्त निकाला मेरे प्रोग्राम के लिए। ये फरमाइएगा कि आज क्या कैसा कैसी खुशी महसूस हो रही होगी सरहद के उस पार और दुनिया भर में जो सिख बरादरी है आपकी, आपकी भी बात हुई होगी, आज का दिन कैसा रहा, तारीखी दिन है और क्या महसूस कर रहे हैं सर? बहुत शुक्रिया मुगेरी साहब, बिल्कुल जैसा कि आप सब अपनी गुफ्तगू में फरमा रहे थे कि पाकिस्तान में बसने वाली सिख बरादरी के लिए तो एक बहुत ही हिस्टोरिकल और तारीखी दिन है और खुशी का दिन है जी। लेकिन दुनिया भर की सिख बरादरी के लिए भी आज खुशी का दिन है, और पाकिस्तान ने आज जो एक हिस्ट्री रकम की है, एक तारीख रकम की है कि इमरान खान साहब और वजीर आजम पाकिस्तान और हमारे आर्मी चीफ जनरल बाजवा साहब के हम तय दिल से पाकिस्तान की सिख बरादरी की तरफ से शुक्र गुजार हैं कि जो करतारपुर कॉरिडोर का मामला है, ये पिछले 70 साल 1947 से हर सिख की ये ख्वाहिश थी कि हर सिख अपनी अरदास में ये दुआ करता था वाहेगुरु से, रब से, कि ये रास्ता खुलना चाहिए और बिछड़े जो गुरुद्वारे हैं, गुरुधाम हैं, उनके दर्शन होने चाहिए। मैं समझता हूँ कि एक बहुत अच्छा स्टेप है पाकिस्तान की तरफ से, और ये सिद्धू साहब जो नवजोत सिंह सिद्धू साबिक क्रिकेटर जो इमरान खान साहब की और पोस्ट सेरेमनी में 3 महीने पहले आए थे,
تو اس ٹائم سے یہ سلسلہ شروع تھا. اور چلیے تو صحیح ہے پاکستان کے قدم میں, مگر ہندوستان آج پورا دن اس کو پازیٹو کی جگہ پر اچھا ہمارے قدم کو برا کر کے دکھاتا رہا کہ پاکستان کسی بھی طرح ایک پروکسی وار ہے, کہہ سکتے ہیں کہ ایک میڈیا وار ہے. میڈیا وار میں پاکستان کو بدنام کرنے کی کوشش کی گئی, تو سمجھ سکتے ہیں کہ کوئی 11 کروڑ کے قریب جو سرحد کے اس پار اور دنیا بھر میں جو سکھ رہتے ہیں, اس میڈیا وار کو اور پروکسی وار کو اور بلا وجہ کی باتوں کو توجہ نہ دیں گے اور پاکستان کے اس قدم کو اچھا سمجھیں گے وہ؟ جی سر, میں یہ سمجھتا ہوں کہ پہلی تو بات ہے کہ مذہب کو اور ریلیجن کو اور سیاست کو ایک سائڈ پر رکھنا چاہیے, کیونکہ جو کہ ہندوستان نہیں رکھتا, جو جن کا کام ہے وہ سیاست کریں. لیکن یہ ہے کہ مذہب کے جو سکھ برادری کے مذہبی جذبات ہیں یا کسی بھی مذہب کے جو ماننے والے ہمارے لوگ ہیں, ان کے مذہبی جذبات کی قدر کرنی چاہیے. اور یہ تو ہمیشہ سے سلسلہ رہا ہے کہ آپ نے دیکھا کہ پاکستان کی میڈیا نے بھی ہمیشہ پوزیٹو رول ادا کیا ہے اور پاکستان کی حکومت نے بھی ہمیشہ پوزیٹو رول ادا کیا. ہمیں امید ہے کہ آپ جیسے لوگ دنیا کے انٹرنیشنل فوروموں پہ جہاں جہاں جائیں گے یقیناً پاکستان کے اس قدم کو سرائیں گے. بہت شکریہ صدر رمیش صاحب, آپ نے وقت نکالا میرے پروگرام کے لیے. میجر صاحب, میں بالکل مائنڈ اپ کی طرف جا رہا ہوں. چلیں ٹھیک ہے, جو بھی کوتاہیاں تھیں آپ بار بار ان کوتاہیوں کا ذکر کر رہے ہیں, مگر پاکستان کی موجودہ حکومت کا اگر یہ اچھا قدم ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کوریڈور کو جلد سے جلد اس کا جو کہیں کہ کام جو ہے وہ مکمل ہو سکے اور پاکستان سرحد کے اس پار اور دنیا بھر سے آئے ہوئے سکھ یاتریوں کو وہاں پر سہولت فراہم کر سکے. انڈاؤٹڈلی جی, اس میں تو بلا شبہ کوئی مذائقہ نہیں ہے, کوئی ڈاؤٹ والی بات نہیں ہے. بہت بڑا قدم ہے اور بہت بڑا اسٹیپ ہے جو 20-25 سالوں میں کسی بھی حکومت نے نہیں کیا. 70 سال میں سر بالکل ایسا ہی ہے. نہیں, پہلے جو اسٹارٹ انہوں نے لیا تھا کرتارپور کا جو ایشو اسٹارٹ ہوا تھا وہ تقریباً 20-25 سال اس کو ہو گئے ہیں, تو کسی نے نہیں کیا اور پی ٹی آئی نے کر دیا اور کر دکھایا بنا کسی بارگین کے, بنا کسی فائدے کے, تو لازماً بہت بڑا قدم ہے اور اس کو سراہنا چاہیے. مطلب جہاں پہ 100 دن میں آپ پہ اپوزیشن اور دیگر سیاسی جماعتیں تنقید کرتی آ رہی ہیں, اور یقیناً جمہوری حق ہے ان پا کہ آپ پہ اوپر تنقید کریں, وقت حکومت پہ آپ بھی کرتے آئے تنقید, مگر آج کا دن بڑا اہم دن ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ آج اس قدم پہ کوئی بھی پارٹی آپ سے اختلاف نہیں رکھ رہی ہوگی اور اس قدم کو سراہتی ہوگی. دیکھیں یہ ایک ملک کا آپ کا فیصلہ ہے اس میں, اور تمام اور تمام یہ قوم کا فیصلہ ہے, قوم کا پاکستان اور سب اس پہ تمام جتنی پارٹیز ہیں وہ سب ایک پیج پہ ہیں, اس میں کوئی شک نہیں ہے. اور اس میں میں یہ بھی کہوں گا کہ ساتھ ساتھ میں قمر باجوہ صاحب کا بھی ان کے کنسنسس سے بالکل صاحب کے ساتھ ان کا بھی بڑا اس میں رول ہے. عادل صاحب پوائنٹ اپ کی طرف جا رہے ہیں. سر میں نے پہلے کہا کہ کرتارپور راہداری کا سنگ بنیاد ایک احسن اقدام ہے, لیکن آج تھوڑی سی ہم نے صرف ایک ہی پوائنٹ پہ کی. ہمارے ڈیفینس انالسٹ صاحب ابڑو صاحب, محمد علی صاحب, میں خود, کہ ہم اسی پوائنٹ پہ ڈسکشن کرتے رہے, لیکن جب پولیٹیکل لوگوں کو بلایا کریں تو پہلے تو میرے خیال میں ہمیں ان 100 ڈیز پہ ضرور بات کرنی چاہیے. چلے سر, 100 ڈیز پہ روزانہ روتے رہیں گے, بات کرتے رہیں گے, مگر لیکن آج کا جو تھا تو اس پہ ہم بات کرتے ہیں. بہت شکریہ روہت شرما کا, شکریہ ریاض کا ہے کہ آج بات کی, 100 دن کے پہ بات کریں گے. اور اس کے ساتھ ساتھ آج بڑا اہم دن وہ بھی تھا کہ جی آئی ٹی کے سامنے فریال ٹالپور آصف زرداری اور تحریری طور پر آج جی آئی ٹی کے سامنے بلاول بھٹو زرداری نے خط بھیجا کہ میں نہیں آ سکتا, مگر یہ میرے جوابات ہیں, کوئی وجہ ہے. کل اس پہ بات کریں گے تفصیلاً کہ جی آئی ٹی کا فیصلہ اور جی آئی ٹی پہ بات کل کریں گے. آفتاب مہر کو اجازت دیجیے, اللہ حافظ.